ट्रेड यूनियन के हड़ताल के आज दूसरा दिन बिहार बंद है। तमाम विरोधी दल आज सड़कों पर हैं और पटना के डाकबंगला चौराहा का यह नज़ारा है। सभी पार्टियां बंद में हैं और सीधे तौर पर जो तस्वीरें दिख रहा है पटना के डाकबंगला चौराहे पे, राजद हो, वामदल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या जितन अमाजी की पार्टी, हम सभी पार्टियों के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं और जो ट्रेड यूनियन की जो मांग है उस मांग को लेके सड़क पे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी है, राज्य सरकार के खिलाफ ये नाराजगी सीधे तौर पर दिख रहा है। जो इनकी मांग है उसमें है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। इसके साथ ही कई और संस्थाएं हैं राज्य सरकार की भी, वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से अपनी मांग में आए हुए हैं। और ये जो पूरा डाकबंगला चौराहे का जो नज़ारा है वो हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजद, वामदल या दूसरे जो संगठन के लोग हैं ट्रेड यूनियन के इस हड़ताल में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। राजद हो या अन्य पार्टियों के जो तमाम नेता हैं, उन सब का बयान हम आपको सुनाते हैं कि आखिर इस बंद में जो पहुंचे हैं उनका क्या कहना है। मैं हर वर्ग संगठन के साथ बातचीत करना सरकार का न सिर्फ सामाजिक दायित्व है बल्कि राजनीतिक दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन न मोदी किया और न नीतीश किया, इसलिए आज भारत बंद है। न्यूनतम मजदूरी देश में मजदूरों के लिए 21,000 होना चाहिए, सबको सामाजिक सुरक्षा का कवच मिलना चाहिए और डिफेंस, रेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड ऐसे संस्थानों में जो ये डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए और जो हमारा नौकरी है ठेकेदारी प्रथा को खत्म करो, समान काम समान वेतन की नीति को लागू करो, ये चलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो राज्य सरकार के कर्मी है, वो उनकी राज्य सरकार के कर्मी भी सभी इसमें शामिल है, इनका भी तो ट्रेड यूनियन का अधिकार का हनन हो रहा है। आज बिहार राज्य में कोई निबंधन नहीं हो रहा, जूट मिल बंद हो गया, सरकार सोई हुई, 1,00,000 लोगों का नौकरी चला गया। अब तक बिहार में सरकार क्या कर रही है? कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई नए कल कारखाने नहीं लग रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इनका मानना है कि जो केंद्र की सरकार है वो जो तमाम जो लोग हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्हें उसका वेतन नहीं मिल रहा है, लिहाजा ट्रेड यूनियन के इस 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में सड़कों पर तमाम विरोधी दल उतरे हुए हैं। गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।